दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे हमारे देश के एक शहर की, वो शहर जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां सबके सपने सच होते हैं। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है ये शहर। यहां पर स्टाइल है, यहां पर माहौल है और यहां पर एनर्जी है। भारत का वो शहर जहां पर खरबपति भी रहते हैं तो महीने में 2000 कमाने वाले भी सरवाइव कर जाते हैं। ये शहर सबको प्यार देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ का वड़ा पाव खा लिया तो समझो स्वाद की तृप्ति हासिल कर ली। ये वही शहर है जहाँ पर पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने कार खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं है बल्कि सपनों का शहर है ये। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था जो कि ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। इन 7 द्वीपों को एक शहर में बनने में करीब 1784 से 1845 तक 60 साल का वक्त लगा। कहा जाता है कि मुंबई को यह नाम उन लोगों ने दिया था जो यहाँ वर्षों से रहते थे। तो वहीं कुछ का कहा है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाल से आया है क्योंकि वो इसे बॉम्ब पाहिया कहते थे, जिसका मतलब होता है एक सुंदर खाड़ी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुंबई नाम इस शहर को इसलिए मिला क्योंकि मुंबई के मूल निवासी यहाँ के मुंबा देवी की पूजा करते हैं, जिनके नाम पर इस शहर को ये नाम दिया गया। वेल दोस्तों, आप इस बात को जानते होंगे कि मुंबई की धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। जैसा कि सब जानते हैं कि मुंबई में रहना खाना बेहद महंगा है। इसमें मुंबई का शहरी इलाका ही नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियां भी शामिल हैं। धारावी में आपको एक घर बनाने के लिए करीबन 3 लाख की जरूरत होती है। आपने इस एरिया को हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने कई सारे बड़े बड़े अवार्ड जीते थे। दोस्तों, ब्रिटिश राज के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों से पहले विकसित हुई है। भारत का सबसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में वर्ष 1903 में खुला था और भारत का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम था जो कि 1928 में खुला। वहीं यहां छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा रेलवे टर्मिनस, इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम, पब्लिक बस सर्विसेज सबसे पहले मुंबई में ही स्थापित हुए। दोस्तों, मुंबई शहर की जान है डब्बा वाला, जो इस शहर के ऑफिसेज में लंच देने वाली लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। ये एक बेहद ही विशाल नेटवर्क है जो बेहद ही अच्छे तरीके से बना हुआ है और इस सिस्टम के माध्यम से कभी भी कोई गलती नहीं हुई। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इसे विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन घोषित किया जा चुका है। भारत में कार रखने वाले पहले व्यक्ति टाटा साम्राज्य के संस्थापक महान व्यक्तित्व के मालिक सर जमशेद जी टाटा, सन 1898 में उन्होंने इस शहर में कार खरीदी और भारत में कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, मुंबई के साथ कई ऐतिहासिक पल जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में चली। इस ट्रेन में 14 बोगी थी और 400 यात्रियों के बैठने की जगह। आज भी रेल के मामले में मुंबई किसी भी शहर से आगे है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे पहला ट्रेन पुल मुंबई में ही बना। यहाँ पर लोग सपने देखते हैं और बाकायदा सपने पूरे भी होते हैं। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है मुंबई, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड से मिलकर बना है। अब इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉलीवुड तो हर हिंदुस्तानी के जहान में है भाई। ये मुंबई शहर ही तो है जिसने कई बॉलीवुड स्टार दिए हैं। यहाँ पर कौन कब स्टार बन जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक ही कहावत चलती है मुंबई में कि आप बस मेहनत करते रहो, बाकी सफलता आपको आज न कल तो मिल ही जाएगी। देश के जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सबके सब आपको दिख जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस शहर में। एक और बात जो इस शहर के बारे में कही जाती है वो ये कि जितने लोग ट्रेन भरकर इस शहर में रोज आते हैं उतने ही लोग इस शहर से जाते भी हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप में हुनर है तो आप छा जाएंगे, लेकिन अगर आप में हुनर नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई किसी को देखता नहीं, आपको बस खुद आगे बढ़ना है। वेल फ्रेंड्स, इस सिटी में खरबपति भी रहते हैं तो यहाँ पर फकीर भी सरवाइव कर लेते हैं। ये बैलेंस इस सिटी को सबसे अलग बनाती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर आप दिन में 10 रुपए से भी पेट भर सकते हैं। जी हाँ, बस आपको दिन में एक बार वड़ा पाव खाना है। एक्चुअली वड़ा पाव यहाँ का सबसे बेस्ट लोकल फूड है। वैसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद यहाँ का समोसा पाव है। भारत देश का सबसे महंगा बंगला आपको मुंबई में दिखेगा, जैसे मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर का बंगला जिसकी कीमत है 1 बिलियन।
वहीं शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी बहुत महंगा है। तभी कहा जाता है कि मुंबई में पैसे वाले लोगों की कोई कमी नहीं, यहाँ पर किसके पास कितना पैसा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे मुकेश अंबानी का घर देखकर लगता है कि काश यहाँ पर एक फ्लोर मेरा भी होता। दोस्तों, इस शहर में अथाह पैसा है और इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखकर पहचान नहीं कर सकते कि किसके पास कितने पैसे हैं। मुंबई इसी का नाम है भाई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वो भी तो मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि कभी नहीं सोता। अगर आप किसी और शहर की बात करें तो यहाँ रात में 11-12 बजे के बाद चीजें शांत हो जाती है, लेकिन मुंबई अलग है। यहाँ पर दिन हो या रात हो, लोग आपको काम पर जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर सबके पास काम है और सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं। वैसे मुंबई की लड़कियां भी कमाल की है, ये बहुत ही इमोशनल भी होती हैं। अगर आपसे यहाँ की लड़कियों ने दोस्ती कर ली तो समझिए कि ये आपका साथ हर समय देंगी। कहते हैं कि ये बहुत ही लॉयल होती हैं। सिर्फ लड़कियां ही क्यों, मुंबई के लड़के भी बहुत तेज होते हैं जनाब। इन्हें स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। यहाँ के कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियों में आपको एक अलग ही एटीट्यूड नजर आएगा। हालांकि ये है तो मुंबई से ना, उत्तर मुंबई में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल नेशनल पार्क है जो कि सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस पार्क को घूमते हुए यहाँ आप तेंदुआ, सांभर, हिरण आदि जैसे जानवरों को देख सकते हैं। ये दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाले राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। वनस्पतियों और जीवों के अलावा यहाँ आप कान्हेरी गुफाओं को भी देख सकते हैं जो कि 2400 साल पुरानी है। अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा सकते हैं इस शहर में घूमने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आइए जानते हैं नंबर 1, जुहू चौपाटी। दोस्तों, वैसे तो मुंबई में कई सारे समुद्र किनारे हैं, लेकिन जुहू में स्थित जुहू चौपाटी या मुंबई चौपाटी जाना आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। यहाँ पर आप परिवार के साथ जाकर घंटों बिता सकते हैं। ऊंची बिल्डिंगों से घिरा और शहरी आबादी के बीच में स्थित इस बीच पर आना आपके लिए सुखद रहेगा। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। भेलपुरी, पानीपुरी, इडली, डोसा, वड़ा पाव और मुंबई के पारंपरिक व्यंजन का आप यहाँ मजा ले सकते हैं। फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां यहाँ रहती हैं और बहुत सारे स्टार आपको इस जुहू बीच पर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई की जान कहा जा सकता है। ये एक तरह से मुंबई का प्रवेश द्वार है। वहीं यहाँ से आपको समंदर में घूमने के लिए बोट की सुविधा भी मिलेगी। आप चाहे तो फेरी से यहाँ घूमने का मजा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे खूबसूरत जगह है। गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ ही दूरी पर स्थित ये जगह एक रोमांटिक प्लेस है। किसी क्वीन के नेकलेस की तरह इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जो लोग मुंबई जाते हैं वो एक बार मरीन ड्राइव जरूर जाते हैं। ये समुद्र तट के साथ एक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं, मरीन ड्राइव खामोशी के साथ पिछले 100 सालों से उसका गवाह है। नेक्स्ट इज वीटी स्टेशन एंड साउथ मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन यूनेस्को की संरक्षित सूची में शामिल एक ऐतिहासिक और शानदार इमारत है। इससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया। गोथिक स्टाइल में बने इस स्टेशन को देखना आपके लिए एक अनोखा अनुभव होगा। शॉपिंग करना हो या फिर मुंबई को करीब से देखने की चाहत, आपको इससे बढ़िया जगह कहीं और नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज एंगिंग गार्डन। वेल फ्रेंड्स, मुंबई में ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां पर न केवल विदेशी पर्यटक बल्कि यहां के मूल निवासी भी पिकनिक मनाने आते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध स्थलों में से एक है हैंगिंग गार्डन। इन गार्डन्स को फिरोज शाह मेहता गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह टहलने के लिए और साथ ही बच्चों के खेलने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। इन हैंगिंग गार्डन्स की हरियाली देखने लायक। यहाँ बगीचे कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृति से ढाले गए हैं। नेक्स्ट इज पोवई लेक। दोस्तों, मुंबई की इस झील से पूरा शहर का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। पर्यटक यहाँ पर आकर पोवई की वादियों में खो जाते हैं। ये एक तरह की कृत्रिम झील है जो मुंबई के शोरगुल में भी एकदम शांत रहता है। इस झील में मगरमच्छ, बतख और बुलबुल पाई जाती है।
शाम के समय इस झील में पर्यटक बोटिंग भी करते हैं। इसके पास ही में स्थित एक लेक गार्डन जहां से मुंबई शहर का नजारा देखने लायक होता है। ओवाई झील के पास में स्थित है तुलसी जी विहार झील और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप पोवई झील के पास जाते हैं तो वे उसके आसपास के इन स्थलों को भी देखना न भूलें। नेक्स्ट इज फिल्म सिटी। दोस्तों, अगर आपको शौक है फिल्मों की या सीरियल्स की शूटिंग देखना तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। फिल्म सिटी का आपको पास मिलता है और आप यहां आकर शूटिंग देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता आप अपने सुपरस्टार से भी मिल लें, क्योंकि सब के सब यहीं तो रहते हैं, काम करते हैं। यही है इस देश का सबसे बड़ा स्टूडियो भी। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, हाजी अली दरगाह। मुंबई के सारे महत्वपूर्ण जगहें और स्टेशन पश्चिमी लाइन पर ही है। महालक्ष्मी स्टेशन पर जाना आपके लिए बेहतर चीजें देखने के लिए यादगार रहेगा। आप यहाँ हाजी अली की दरगाह देख सकते हैं। इस दरगाह को 1431 में समुद्र के बीच में बनाया गया। यहाँ आकर आपको सुकून मिलेगा। समुद्र के बीच में होने की वजह से यहाँ के किनारे भी देखने लायक हैं। दोस्तों, ये था मुंबई। आप में से अगर कोई मुंबई से है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहाँ से हो। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अपना